हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज हमारे पास ये मोबाइल आया है जो कि दोस्तों इसका ये बटन है निकल चुका है दोस्तों, जो कि पावर बटन है ऊपर वाला। देखिए जो कि ये निकल चुका है यहाँ से। और इसका ये बैक ढक्कन है जो कि ग्लास का है, कंच का है, ये भी टूट चुका है गिरने के कारण। तो आज आपको दिखाएंगे कि इस ढक्कन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो कि देखिए दोस्तों, ये वाइट कलर का न्यू ढक्कन है बिल्कुल। इसको इस पर लगाएंगे और दिखाएंगे आपको इसको हम कैसे उतारेंगे और कैसे ये ढक्कन लगा सकते हैं दोस्तों। आज कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे आपको, कैसे उतारेंगे, कैसे लगाएंगे और इसमें ये बटन कैसे डल सकता है दोस्तों। तो उतारते हैं इस ढक्कन को दोस्तों, फटाफट यहाँ से अलग हो जाएगा दोस्तों, जो कि ये ग्लू रिमूवर होता है दोस्तों। तो इसकी मदद से इस पर उतारेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा ढक्कन में डाल लिया है और चिमटी की मदद से इसके जो किनारी है यहाँ पर लगाते जाएंगे दोस्तों, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो पेस्ट लगी होगी, गम लगी होगी, वो पिघल जाएगी और ये बिल्कुल आराम से उतर जाएगा दोस्तों। तो इसको डाल लेते हैं फटाफट चारों तरफ, इसके चारों कोनों में हर एक जगह इसकी यहाँ पे डालने से क्या होगा, ये सारी तरह पिघल जाएगा, गोंद इसके नीचे लगी और ये ढक्कन आराम से ऊपर आ जाएगा। तो डालते हैं इसको फटाफट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, हमने जो कि इसमें डाल लिया ये, अब इससे देखिए हार्ड पन्नी से उतारेंगे दोस्तों। तो यहाँ से इसको इसके नीचे डालेंगे दोस्तों, अगर ये सही तरह ना जाए, कहीं से रुक जाए, तो थोड़ा सा और लेंगे ग्लू रिमूवर जो लिक्विड मारा है ये इसके अंदर डाल लेंगे और फिर इसको देखिए दोस्तों, हार्ड पन्नी को इसके अंदर ऐसे आराम से आगे पीछे करते रहेंगे, जिससे कि इसके नीचे जो पेस्ट लगी होगी और ढक्कन के और क्रोम के बीच में होगी जो, वो अलग होती चली जाएगी दोस्तों, जिससे कि बिल्कुल ढक्कन बाहर आता जाएगा आराम से, क्योंकि टूटा हुआ है, देखिए टूट के ही बाहर निकलेगा, क्योंकि टूटा हुआ पूरा साबुत होता तो हम कोशिश करते हैं इसको सेफली उतारने की, लेकिन ये टूटा हुआ है तो हमें नया डालना है, तो हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको जैसे मर्जी आप उतार सकते हैं, पर लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सेफली उतारना पड़ेगा, क्योंकि हाथों पे लगने का डर रहता है दोस्तों, कंच है, हाथ पे लग गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल आराम से उतारेंगे दोस्तों। हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि चोट तो हमें खानी नहीं है, हमें फोन को ठीक करना है और अपने हाथों को भी सेफ रखना पड़ेगा दोस्तों। और कंच है जो कि उछल के आँख वगैरह में भी लग सकता है दोस्तों, तो इसलिए भी हमें थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा ऐसे। तो इसको उतार लेते हैं दोस्तों फटाफट। देखिए तो वीडियो कंप्लीट देखना, ताकि आपको वीडियो समझ आ सके कि हमने फ़ोन में कैसे ढक्कन उतारा था और कैसे लगाया था और कैसे इसमें हमने ये बटन डाला है। तो यहाँ पे इसका ये देखिए फिंगरप्रिंट है, इसको थोड़ा सेफली निकालें यहाँ से, नहीं तो इसका ये पत्ता यहाँ से कहीं से भी क्रैक हो सकता है, फिर फिंगरप्रिंट किसी काम का रहेगा, फिर नया लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल इसको सेफली उतार लेंगे दोस्तों। तो जो दोस्तों इस चैनल पर जो नए हैं, वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ठीक करने की। तो अब आप इसको देख के, ऐसी वीडियो को देख के आप थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज हो सकती है दोस्तों। तो वीडियो जरूर देखें, कंप्लीट देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट करें दोस्तों। जो इस चैनल पर नए हैं वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों। तो हमने ढक्कन उतार लिया और इसके नीचे जो पेस्ट लगी हुई है उसको चिमटी की मदद से आराम आराम से उतार लेंगे दोस्तों। तो इस पर एक बार हमने उतार लिया, तो ढक्कन को एक बार इस पर रख के देख लेते हैं ये सही तरह, इस पर सही तरह फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। तो फिट हो रहा है, देखिए अब इसके नीचे ये पन्नी लगी हुई है, तो इसको भी यहाँ से उतार देंगे दोस्तों, पकड़ के उतार लेंगे, ना उतरे तो कोई चिमटी वगैरह ब्लेड वगैरह नीचे इसके डाल के आराम से इसके पन्नी को उतार देंगे दोस्तों। तो देखिए अब इसको देखते हैं एक बार लगा के, इसके ऊपर सही तरह फिट हो रहा है दोस्तों। अगर सही फिट हो रहा है तो दोस्तों देखिए अब क्या करेंगे, गम लेंगे ब्लैक कलर की हमारी, ये तो ये लगा लेंगे कोनों पर, इसके चारों तरफ लगा लेते हैं फटाफट, अच्छी तरह लगाएंगे दोस्तों, बिल्कुल किनारे किनारे पर, ना ज़्यादा लगानी है ना ज़्यादा कम लगानी है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट लगानी है इस पर। तो देखिए सारी तरफ लगा लेते हैं इसको फटाफट, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो हमने इस पर ये लगा लिया, देखिए अब ढक्कन को इस पर लगा लेंगे सेट करते हुए, सारी तरफ से चेक कर लेंगे कोनों पे से, किनारियों पे से फिट आना चाहिए बिल्कुल, अगर ऊपर उठा रह गया तो ये फिर भी टूट सकता है दोस्तों, और फिटिंग सही होगी तो फिर कम चांस होते हैं टूटने के। तो देखिए फिट हो चुका है ये अच्छी तरह, तो अब इसको देखेंगे, अगर फिट हो चुका है तो इसके ऊपर रबड़ लगा लेंगे चारों तरफ अच्छी तरह, बीच में भी, जिससे कि ये सेट हो जाएगा दोस्तों। और रबड़ का लगाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा जोर की नहीं दबाना है, नहीं तो हमारा एक कंच का है जो ग्लास ढक्कन ये टूट सकता है, तो रबड़ को भी थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा, ना ज़्यादा खींच के लगाना, ना ज़्यादा लूज लगाना दोस्तों, लूज लगाएंगे तो फिर गैप बना रह जाएगा, जिससे कि ढक्कन हमारा टूट सकता है दोबारा। तो देखिए जो कि हमने इस पर ये रबड़ लगा लिया, अब ऊपर नीचे सारी तरह लगा लेंगे दोस्तों, और बटन भी दिखाएंगे आपको इसमें कैसे डाल सकते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल ईजी है डालना, जो कि नया बटन हम इसमें सीधा डाल लेंगे, कोई बटन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से निकला और इसका ये बटन मार्केट से आता है, इसलिए हम इस पर नया ही बटन ले आए थे, वो भी डाल लेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे डाल सकते हैं। तो एक बार रबड़ लगा लेते हैं सारी तरह इस पर,
तो जो कि हमने इस पर 5-6 रबड़ लगा लेंगे अच्छी तरह, जिससे कि यहीं पे ढक्कन फिक्स हो जाएगा और जो हमारी इस पर गम लगाई है वो सूख जाएगी। तो ढक्कन ये देखिए दोस्तों, पावर बटन डालना आसान है बिल्कुल, इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे दबा देंगे, जो कि इसके नीचे लॉक लगे हैं वो आपस में इसमें फिट हो जाएंगे दोस्तों। फिट होने के बाद ये बिल्कुल सही तरह काम करेगा, देखिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय जय।